बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं मोहसिन अली। तो आपने लाइक सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और दुरूद शरीफ आपने पढ़ते रहना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं आपकी आपकी ज़िंदगी और आखरत दोनों में आपको कामयाबी मिल जाए, तो फिर आपने दुरूद शरीफ की कसरत करते रहना सही हो गया जी। तो इसी के साथ चलते हैं अपने काम की तरफ। आज हम एक दिल बनाएंगे, फिर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे कुछ टूल का। दिल लोगों यहाँ से ये शेप्स देखते हैं, इनके अंदर हमको दिल मिल जाएगा। जैसे इसके अंदर है ये पड़ा हुआ है, और इसको इस तरह से हम कहेंगे ड्रा, इस तरीके से। ठीक हो गया जी। और उसके बाद इसमें कुछ इस तरह से रेड कलर दे देंगे, इस तरीके से। ठीक हो गया, इस तरीके से रेड कलर दिया। और थोड़ी हम इसकी बढ़ा लेंगे, अंदर करेंगे थोड़ा, करेंगे छोटा। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये हमारी लाइन बाहर हो जाएगी साइड में। ठीक होगा जी। इस तरह से हम लाइन को निकालेंगे बाहर, इस तरीके से। ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ से जाएंगे बिटमैप में, और कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे। यहाँ इसको करेंगे ओके। ठीक होगा जी। इसको हम कन्वर्ट बिट मैप कर रहे हैं। ये हमारी होगी कन्वर्ट टू बिट मैप। ठीक हो गया जी। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, दोबारा हम जाएंगे, फिर हम जाएंगे बिट मैप कन्वर्ट में, और यहाँ से 3D इफेक्ट पावर स्ट्रोक है, बलर है। हम ये केसेस बलर पे जाएंगे यहाँ। ठीक हो गया जी। और यहाँ से हम इसको कुछ इस तरह से काम ज़्यादा बलर कर सकते हैं अपने हिसाब से, 60-70 जितना भी है, और इस पर ओके करेंगे। साइड फ्रेम, और यहाँ से ट्रिम। तो ये इस तरह से हमारी हो जाएगी पावर क्लिप। ठीक है भाई। थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाते हैं, इस तरह से ये पावर क्लिप हो जाएगी। चेंज करके भी आप देख सकते हैं कलर। यहां से आप उसकी शेयर शूट करके देख सकते हैं इसके अंदर क्या था, क्या इस
हिसाब नहीं था। इस तरीके से हम यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे, दोबारा से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से कॉन्टैक्ट और यहाँ से आपको एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा इस तरीके से। और चेंज किया नहीं हो रहा, ठीक हो गया। और फिर कहीं अगर ऑब्जेक्ट में जाना और ऑलरेडी ये तो है ऑब्जेक्ट, कोई भी लेना। मैं 3D में अगर इसमें 3D रिलेशन भी आप देना चाहे दे सकते हैं। पेज कलर प्रेस प्रेक्सटी स्टूट स्टोक यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये बल्डर गोरियज लो पास, तो ये इस तरह से आप करेंगे। पिक टूल आपने लेना, पिक टूल लेना बस, बैक शिफ्ट के साथ इसको भी कर सकते हैं आप एडिट में जाकर इस तरह से, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं एडिट वगैरह भी, ठीक हो गया जी। मैं इसको ओके करें तो ओके मशीन, यहाँ से आपको सिलेक्ट पावर क्लिक कॉन्टैक्ट मिल जाएगा इस तरह से। ये इस तरह से रेडी करें इसको कंट्रोल जी एंड पी। इस तरीके से तो इसको थोड़ा सा यहाँ से काट भी सकते हैं अपने हिसाब से, तीर के साथ ही अगर आप काटना चाहें यहाँ से
हो जाए। एरो शेप मिल गई, एरो शेप, एरो शेप, फॉर एग्जाम्पल ये वाली शेप हम ले लेते हैं, एरो इस तरह से आपने ये शेप ले लेनी, थोड़ी सी आप इसको छोटा कर लेना कुछ इस तरह से, और यहाँ से लंबा कर लेना, और हम इसको रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह से, डबल क्लिक करेंगे और इसको हम घुमा लेंगे इधर इस तरह से कुछ, ठीक हो गया जी। और पी का बटन दबाएंगे तो ये बिल्कुल उसका सेंटर भी सेट करेंगे इसको, और इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे इधर से, और इधर से इस तरह से बड़ा करेंगे, इसके कॉर्नर जो है ना दोनों साइड से बाहर निकाल देंगे इस तरह से, ठीक हो गई ये चीज़। और इसको इस तरह से थोड़ा सा देखना, अगर इसको छोटा कर देना इस तरीका से, इसके अंदर भी कलर अगर आप रेड करना चाहते हैं रेड कर दें, अदरवाइज दूसरा कलर देना चाहते हैं दूसरा कलर भी आप इसके अंदर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है इस तरीका से। अब इसको पकड़ कर और शिफ्ट में साथ इसको भी पकड़ कर अगर आप करेंगे ट्रिम तो ये इस तरह से ट्रिम हो जाएगा, यानी कि अंदर से इसका खला बन जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक हो गई ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, हम अंडू करेंगे इस तरह, और इसको थोड़ा सा करेंगे इसके अंदर ही छोटा थोड़ा सा इस तरह से, और रोटेट करेंगे इसको थोड़ा सा इस तरह से, इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको और रोटेट करेंगे इसको अंदर की तरफ इस तरीके से, ठीक हो गया जी। तो इसको थोड़ा सा छोटा और भी कर लेंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद रोटेट कर देंगे इस तरह से, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो ना ये काम हो चुका कंप्लीट। इस तरह से भी आप एक लोगो कर सकते हैं डिजाइन, और इसके अंदर आप कलर अलग देना चाहते हैं अलग दे सकते हैं, इसको यहाँ से आप ब्रेक कर दें, यहाँ पर जाके इसको करें ब्रेक, और इस पार्ट में आप अलग कलर भी दे सकते हैं, यहाँ से हम लेंगे स्मार्ट व्हील टूल, और यहाँ से हम ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गई। येलो दे दें, दूसरा दे दें, ब्लैक दे दें, कोई सा भी कलर देना चाहते हैं उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, इसी तरह इसके अंदर भी ब्लैक कलर ऐड कर दें इस तरह से, ब्लैक कर दें, ग्रीन कर दें, जो आपका दिल है वो कर दें, इस तरह से ये जाएगा बन, ये लेकिन उसको रेड ही रहने दें तो रेड भी इसी तरह रहेगा। तो जी का बटन दबाएंगे इसको सेलेक्ट करते हुए, आप इसके अंदर इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक हो गया जी। यहाँ से हम कॉनिकल फाउंटेन फिल टूल का यूज करेंगे थोड़ा सा उसकी खूबसूरती के लिए इस तरीके से, थोड़ा इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा फिर इसको इस तरह से नीचे की तरफ इस तरह से कुछ क्रिएट कर देंगे इसको, ठीक हो गई ये चीज।
रखना चाहेंगे कुछ इस तरह से, आधा कलर और आधा कलर, और ये वाला रखना चाहिए ये वाला रख सकते हैं। अगर सिल्वर कलर रखना चाहें तो यहाँ से इस तरह से सिल्वर कलर रख सकते हैं, ठीक हो गया जी। कुछ इस तरह से हम ये वाला पिंक चेंज करते हैं या ब्लैक, इस तरह से ठीक हो गया जी। इस तरह से ये हमारा बन के आ गया है, डिजाइन रेडी हो गया है आपके सामने। इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन शिफ्ट साथ पकड़ें थोड़ा सा, इसको करेंगे बड़ा, जेड दबाएंगे, जूम आउट करेंगे सारे कुछ इस तरह से, फिर जेड दबाएंगे और मेहनत करेंगे, फिर हम इसको करेंगे यहाँ से जूम, एक टूल लिया यहाँ से, ओके, विंडो एंड स्क्रीनशॉट, तो कुछ इस तरह से। ये देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी, हमें लाइक सब्सक्राइब कर